शुरू हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और आज हम लोग भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। मैं शुरू करूँ उसके पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो बहुत अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, कमियां हो तो कमेंट कर दीजिएगा। हम अपने विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है आपात उपबंध, इमरजेंसी से संबंधित जितने भी कानून है भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है राष्ट्रीय आपात की। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती है। यह उद्घोषणा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह किन परिस्थितियों में की जाती है, इसकी चर्चा हम लोग करना शुरू करें। तो भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा तब की जाती है जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाता है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की सुरक्षा पर संकट होने वाला है। मतलब देश की सुरक्षा जो है संकट के कगार पर है, तब ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो आपात की घोषणा कर सकता है, और उसके आधार पर हम देखें तो आपात दो तरह के होते हैं, एक तो बाह्य आपात और एक आंतरिक आपात। ठीक है, संविधान कहता है कि यदि देश में युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण की स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति में लागू किए जाने वाले आपात को हम राष्ट्रीय बाह्य आपात कहते हैं। अगर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह होता है तो इसके आधार पर राष्ट्रपति आंतरिक आपात की घोषणा करता है। आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा दो तीन कंडीशन में की जा सकती है। पहली कंडीशन होती है कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के बाद ही राष्ट्रपति जो है आपात की घोषणा करता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत का अनुमोदन हो जाए, और यह अनुमोदन राष्ट्रपति की घोषणा के एक माह के अंदर होना चाहिए। और विशेष बहुमत क्या होना चाहिए, इसमें विशेष बहुमत की अगर हम बात करें तो एक माह के अंदर संसद के अंदर उपस्थित एवं मत देने वाले, मतलब कि संसद के अंदर जितनी प्रेजेंस होगी सांसदों की एवं जो मत देने वाले सांसद होंगे उसका 2/3 बहुमत इसके फेवर में होना चाहिए। ठीक है, केवल 6 माह के लिए जो है आपातकाल एक बार लागू होने पर 6 माह के लिए फोर्स में रहता है, प्रवर्तन में रहता है। ठीक है, बाद में इसको 6-6 माह करके असंख्य बार विस्तारित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि एक बार अगर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दे तो फिर वो 6 महीने के लिए चलता है, और 6 महीने के बाद जो है अगर सरकार की का जो मंत्रिमंडल है वो दोबारा से जो है संसद के माध्यम से ये बात कहेगा कि देश में की स्थितियों में सुधार नहीं हुआ है, तो फिर राष्ट्रपति उसको 6-6 माह करके असंख्य बार विस्तारित कर सकता है। ऐसा नियम है। राष्ट्रीय आपात को 2 लोगों के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात को राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो आपातकाल लगाते हैं या उसकी घोषणा करते हैं तो वो किसी भी समय उसको वापस भी ले सकते हैं, उसको किसी भी समय हटा सकते हैं। लोकसभा में साधारण बहुमत पारित करके भी लोकसभा के द्वारा भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा लगाए गए इमरजेंसी या आपातकाल को हटाया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल का मिसयूज़ या दुरुपयोग रोकने के लिए कुछ संविधान में उपबंध किए गए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं।
अधिकांशता जो उपबंध है, अधिकांशता जो रूल्स हैं, वो 44 में संविधान संशोधन 1978, 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन कर लाए गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 352 में जो है कुछ संशोधन किए गए 44वें संशोधन के अंतर्गत, और उसमें कुछ जो है उपबंध या प्रावधान लाए गए हैं। पहले क्या प्रावधान थे, 44वें संशोधन के बाद क्या प्रावधान किए गए, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगर हम देखें तो पहले राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता था, उसके लिए तीन कंडीशन का में से कोई भी कंडीशन के आधार पर लगाया जा सकता था। पहली कंडीशन के देश में युद्ध की स्थिति हो, बाह्य आक्रमण हो रहा हो या आंतरिक अशांति, इनके आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या लगाया जाता था, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था। लेकिन 44वें संशोधन के बाद आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया। मतलब अब जो राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी लगाई जा सकती है वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाई जा सकती है, ना कि आंतरिक अशांति, ठीक है। पहले मौखिक राय मंत्रिमंडल की होती थी, उसके आधार पर ही राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देता था, लेकिन वर्तमान में मंत्रिमंडल के द्वारा लिखित राय लेना जरूरी है। अगर मंत्रिमंडल लिखित में जो है राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा करने के लिए राय नहीं देता है, तो फिर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। पहले राष्ट्रीय आपातकाल प्रवर्तन की समय सीमा कुछ भी नहीं थी, मतलब एक बार लग गया सो लग गया। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की समय सीमा तय कर दी गई, और इस समय सीमा के अनुसार 6 माह तक, मतलब संसद के द्वारा एक बार अनुमोदन हो जाए राष्ट्रपति की घोषणा के बाद, संशोधन संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से या 2/3 बहुमत से जो है क्या हो जाए, अनुमोदन हो जाए, उसकी डेट से 6 माह तक वो फोर्स में रहेगा आपातकाल। उसके बाद उसको लगातार अनेकों बार, तो मैं कह रहा था कि जो मंत्रिमंडल की लिखित राय है वो जरूरी है, और संसद के द्वारा एक बार अनुमोदन होने के बाद ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये 6 माह के लिए, कम से कम 6 माह के लिए फोर्स में रहता है, प्रवर्तन में रहता है। जबकि पहले क्या था, 44वें संशोधन कि पहले इसकी कोई समय सीमा नहीं थी, ठीक है। और पहले क्या था कि राष्ट्रीय आपातकाल के लिए राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन जरूरी था, लेकिन अब 1 माह के अंदर, राष्ट्रपति की उद्घोषणा के बाद 1 माह के अंदर विशेष बहुमत द्वारा संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा जो है अनुमोदन का प्रावधान है। उसके बाद अब देखो राष्ट्रीय, अब इसमें क्या है कि एक नई चीज भी है, पहले सभी प्रकार के आपात में अनुच्छेद 19, मतलब कि जो स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार है आपका, वो स्वतः निलंबित हो जाता था पहले, लेकिन 44वें संशोधन के बाद अब उसमें क्या है, केवल बाह्य आपात की दशा में ही अनुच्छेद 19 विचार अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताएं जो हैं वो स्वतः निलंबित हो जाती हैं। लेकिन पहले सभी प्रकार के आपात में, अब केवल बाह्य आपात की स्थिति में ही क्या होता है, अनुच्छेद 19 जो है निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 19 है क्या, अनुच्छेद 19 की बात करें तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 19 के का में भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। खा में शांति व हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार है। गा में संघ और समिति बनाने का अधिकार है। घा में अबाध संचरण, मतलब कहीं पर भी रहने का अधिकार, भारत में कहीं भी बसने का अधिकार, कहीं भी घूमने का अधिकार, ये अड़ा में भारत में कहीं भी बसने का अधिकार, और
सामे वृत्ति व्यवसाय और आजीविका का अधिकार, ये सारे अधिकार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, पहले क्या होते थे किसी भी तरीके का राष्ट्रीय आपातकाल हो तो ये सारे राइट्स निलंबित हो जाते थे, सस्पेंड हो जाते थे, लेकिन अब नए रूल के अनुसार केवल बाह्य आपात की स्थिति में ही इन अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है और जो है बर्खास्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते, कभी भी निलंबित नहीं होते। अनुच्छेद 20 21 से जो राइट्स हैं फंडामेंटल राइट्स, उनको कभी भी किसी भी दशा में जो है सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या है, राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या है, तो कार्यपालिका विधायिका दोनों पर राष्ट्रीय आपात का प्रभाव पड़ता है। अगर हम कार्यपालिका पर देखें राष्ट्रीय आपात का प्रभाव, तो केंद्र किसी भी विषय पर राज्यों को प्रशासनिक निर्देश दे सकता है राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कभी भी सस्पेंड या बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये एक बात। दूसरी बात ये विधायी प्रभाव, विधायी प्रभाव क्या है कि राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। जब इमरजेंसी लगी होती है, आपातकाल की स्थिति होती है, तो ऐसे में राज्य की जो राज्य सूची में सम्मिलित विषय हैं उन पर संसद क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। राज्य विधानसभा को बर्खास्त नहीं कर सकती, लेकिन क्या कर सकती है कि राज्य के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर कानून तो बना सकती है, लेकिन राज्य की विधानसभा को बर्खास्त या निलंबित नहीं कर सकती है। जबकि राष्ट्रपति शासन में वो क्या कर सकते हैं, निलंबित भी कर सकते हैं, बर्खास्त भी कर सकते हैं, या अस्तित्व में नहीं रहती है। ठीक है, क्लियर। आगे, संसद कानून द्वारा लोकसभा या राज्य की विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष की अवधि से एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकती है, और ऐसा कई बार कर सकती है पार्लियामेंट, ऐसा कई बार कर सकती है। वित्तीय संबंधों का प्रभाव क्या होता है, केंद्र और राज्यों के साथ वित्तीय संसाधनों के वितरण जो होते हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है इमरजेंसी के दौर में। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट्स पे प्रभाव हम बता ही चुके हैं आपको कि फंडामेंटल राइट्स पे जो है अनुच्छेद 20-21 पर कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, लेकिन अनुच्छेद 19 को स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति जो है, स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति है, उसको बाह्य आपात की स्थिति में सस्पेंड किया जा सकता है या वो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। ठीक है, अन्य सभी फंडामेंटल राइट्स राष्ट्रपति की उद्घोषणा के द्वारा ही निलंबित किए जा सकते हैं। उनके बारे में, अन्य फंडामेंटल राइट्स के बारे में राष्ट्रपति घोषणा करता है तभी वो निलंबित किए जा सकते हैं। राज्य में आपात, ये तो राष्ट्रीय आपात की बात होगी, राज्य में आपात कैसे है, तो राज्य में आपात के लिए अनुच्छेद 356, राज्य में आपात के लिए अनुच्छेद 356 होता है, जिसको हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के प्रतिवेदन या रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा सीधे अथवा संतुष्ट हो जाने पर राज्य में लगाया जाता है। ठीक है, तो चलने वाली, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो राज्य में चलने वाली सरकार है उसको राष्ट्रपति जो है बर्खास्त कर सकता है, उसके मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। चलने वाली सरकार संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप अगर नहीं चलती है, कॉन्स्टिट्यूशंस का पालन करते हुए अगर गवर्नमेंट नहीं चलती है, तो राष्ट्रपति द्वारा उस प्रदेश में, उस राज्य में सारे जो भी पावर्स होते हैं वो राज्यपाल के हाथों में दे दिए जाते हैं। ठीक है, राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद के द्वारा किया जाने लगता है, मतलब जो कानून बनाने की शक्ति या जो भी राज्य विधानसभा की शक्तियाँ होती हैं उनको किसको दे दिया जाता है, संसद को। जिन विषयों पर राज्य की विधानसभा काम करती है उन विषयों पर संसद काम करने लगती है। घोषणा 2 माह के अंदर पार्लियामेंट के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से होती है। घोषणा की 1.5 से 6 माह की अवधि के लिए फोर्स में रहता है और पार्लियामेंट के द्वारा इसको एक बार 6 माह के लिए और बढ़ाया जा सकता है, और अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के बाद मैक्सिमम 2 और वर्षों के लिए इसको विस्तारित किया जा सकता है, मतलब राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। ठीक है, 2 शर्तें होनी चाहिए राष्ट्रपति शासन के लिए। पहली शर्त, संपूर्ण भारत अथवा उसके किसी राज्य अथवा उसके किसी भाग में आपात की स्थिति हो तब राष्ट्रपति शासन लग सकता है, या इलेक्शन कमीशन यह प्रमाणित कर दे
कि वह राज्य के विधानसभा के चुनाव कराने में कठिनाई महसूस कर रहा है, इसलिए वहाँ राष्ट्रपति शासन जारी रखना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में भी क्या होता है कि जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव कार्यपालिका और विधायिका पर पड़ते हैं। राष्ट्रपति शासन लगते ही राज्य की विधानसभा, राज्य की सरकार का मंत्रिपरिषद बर्खास्त कर दिया जाता है और उसके सभी कामों को राज्यपाल को सौंप दिया जाता है। जो काम मिनिस्टर ही करती है वो काम राज्यपाल करने लगता है और विधानसभा को बर्खास्त कर दिया जाता है, उसके सारे काम संसद के द्वारा होने लगते हैं। ये प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन में अंतर क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के अलावा राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन में केवल केंद्र सरकार और केवल उस राज्य के मध्य के रिलेशनशिप में परिवर्तन आता है जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार और राज्य और देश के सभी राज्यों के जो संबंध है उनमें मूलभूत परिवर्तन आ जाता है। दूसरी बात, मंत्रिपरिषद अस्तित्व में रहती है आपातकालीन स्थिति में और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है, लेकिन राज्य की मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति शासन में बर्खास्त कर दिया जाता है। राज्य विधानमंडल आपातकाल में कार्य करती है लेकिन राष्ट्रपति शासन में उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। फंडामेंटल राइट्स जो है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में प्रभावित होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन में जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय संबंध राष्ट्रीय आपात की स्थिति में प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन में ये प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये हो गया। अब न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 356 यानी कि राष्ट्रपति शासन में जो है न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। ऐसा मुंबई मामले में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत प्रदत्त राष्ट्रपति की शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है और ये पुनरावलोकन 3 मामलों तक सीमित रहेगा। वो मामले कौन कौन से हैं? वो मामले ये हैं कि क्या क्या कोई ऐसी सामग्री है जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति ने अपनी राय बनाई है, पहली। दूसरा, क्या वह सामग्री जिसके आधार पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लगाने की या आपातकाल लगाने की सोची है वह सुसंगत है कि नहीं है, इस बात पर भी निर्भर करेगा। क्या तीसरा है कि क्या राष्ट्रपति का कोई उस सरकार के प्रति दुर्भावपूर्ण इरादा तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा। वित्तीय आपात की अगर हम बात करें, यदि देश अथवा राज्य के किसी भी भाग में वित्तीय स्थायित्व तो संकट में आ जाए तब वित्तीय आपातकाल लागू होता है और यह राष्ट्रपति के द्वारा लागू होता है। राष्ट्रपति की उद्घोषणा के 2 माह के अंदर या 2 मास के अंदर पार्लियामेंट के दोनों सदनों से इसको साधारण बहुमत के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति के वापस लेने तक ये जारी रहते हैं। वित्तीय आपातकाल, इसके प्रभाव क्या है? राज्यपालों को निर्देशित कर दिया जाता है इसमें या किया जा सकता है कि राज्य के सभी धन और वित्त विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए रख लें, आरक्षित कर लें, ठीक है। दूसरा, राज्यों को वित्तीय अनुशासन कायम करने के लिए भी कहा जा सकता है। तीसरा है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय विभाजन होता है उसको कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है, रखा जा सकता है। और संवैधानिक अधिकारी जो होंगे, जो भी कर्मचारी होंगे, उनके वेतन भत्तों को कम किया जा सकता है आर्थिक जो है आपात की स्थिति में। तो साथियों, ये वीडियो था मेरा और ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अगर कोई कमी दिखे या ना भी दिखे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।